नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल शिवानी भंडारी ब्लॉग्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और आज की ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो अभी मॉर्निंग से हो रही है, क्योंकि अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं इंद्रपुरम। किस लिए? क्योंकि मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं आज उड़ीसा, तो हम उनको मतलब बाय बोलने जा रहे हैं, तो और थोड़ी हेल्प भी करने जा रहे हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ इंद्रपुरम में। सुबह सुबह यहाँ पे सूरज उग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे पूरी रोड खाली है, तो हम लोग बड़े जल्दी पहुँच गए हैं। तो हम लोग इंद्रपुरम पहुँच चुके हैं, 5:30 पे हम लोग निकले थे और अभी हम 10 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ पहुँच गए, क्योंकि रोड पूरी खाली थी तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पहुँचने में। ठीक करेक्ट 10 मिनट लगे, हम यहाँ पहुँच गए, घर पहुँच चुके हैं पापा। हम लोग आ गए। हाँ, होटल जा रहे तुम लोग? हाँ, क्या कर रहे हो? सुबह सुबह कितने निकलना है? तो हम लोग घर से निकल गए थे और यहाँ पे तकरीबन हम 15-20 मिनट में पहुँच गए थे आनंद विहार रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम पे इतनी भीड़ थी कि मतलब किसका हम सबने एक एक बैग उठाया, मैंने अपना बैग उठाया और अंदर भी पहले से ही लोग आके बैठे हुए थे काफ़ी लोग। और फिर यहाँ पे मम्मी पापा का सामान अच्छे से रखा भैया ने। उसके बाद मैं इनसे यहाँ पे पूछ रही थी कि ट्रेन में बैठे कैसा लग रहा है, क्योंकि इनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रेन में बैठने का, जो कि इनको बहुत अच्छा लगा। तो मम्मी पापा को हमने स्टेशन छोड़ दिया है सबने मिलके, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है, जबकि सुबह निकल गए थे। और अब हम लोग घर जा रहे हैं, देखते हैं तक्षवी कहीं रो ना रही हो, इसलिए फटाफट चलते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, अगर आना है तो टाइम से आ जाओ भाई। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है और अब मैं ऊपर आ गई हूँ। और आज 12 मार्च है, मैं पता नहीं वीडियो कब तक अपलोड करूँगी, लेकिन आज हमारी तक्षवी को 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं और आज वो 4th मंथ में लग जाएगी। तो हम सोच रहे हैं मैं और सृष्टि कि हम ना उसके लिए कुछ वो उसका फ़ोटो शूट करते हैं हर मंथ। तो आज हमारा जो थीम होगा वो कुछ क्लाउड और जैसे छोटे छोटे हम कुछ ऐसे ड्रॉप बनाएंगे, तो मतलब जैसे क्लाउड मतलब रेनी वाला हम आज थीम रखेंगे उसका, तो उसी की तैयारी करते हैं अब। और अभी फिलहाल मैं जो भी सामान फैला हुआ है उसको सेट कर देती हूँ फटाफट से। तो सफाई तो मैंने कर दी है, अभी बस थोड़ा सा और सफाई रह गई है। कपड़े फैले हुए तो सारे उठा दिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज ना तक्षवी क्या पहने, आज हम तक्षवी को क्या पहनाने वाले हैं। ये है तक्षवी की क्यूट सी अलमारी और हम उसको आज पहनाएंगे। यहाँ पे सारे तक्षवी के कपड़े रहते हैं, आज हम उसको येली ड्रेस पहनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो आज हम उसको येली ड्रेस पहनाने वाले हैं। ये बहुत क्यूट सी लग रही है, जो कि इसको जो कि तक्षवी को तक्षवी की अन्नु मामी ने गिफ्ट किया था, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे सृष्टि जो है, अभी हम लोग बताया था मैंने जैसे कि हम लोग एक थीम देने वाले हैं जैसे तक्षवी के लिए, तो यहाँ पे ये पूरा इसने पेपर ब्लू कर दिया, अभी ड्रॉप बना रही है, तैयारी कर रही है। तो यहाँ चल रही है तक्षवी की फ़ोटोशूट की तैयारी। ये आई है विशु बुआ कैमरामैन। तक्षवी उधर देखो ना बेबी, ये हमारी मॉडल तैयार। ऐसे देखो ऐसे। ये है मॉडल के असिस्टेंट स्पॉट दादा और आप तो देख ही नहीं रहे हो ऊपर तक्षवी, बेबी को पसीना आ रहा है। तक्षवी देखो देखो, देखने दी वो हाथ रख लिया उसने। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, तक्षवी के साथ हमने कुछ इस तरीके से अपना दिन बिताया, उसका फ़ोटो शूट किया और घर के छोटे मोटे काम किए। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना।
मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।